आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले एक जबरदस्त टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यूबन रेवोल्यूशन। वैसे तो हर कंट्री में लगभग लगभग रेवोल्यूशन हुए हैं और होने भी चाहिए। रशिया में रेवोल्यूशन हुए हैं, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुए हैं, इटली में हुए हैं, ब्रिटिश में हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और क्यूबन रेवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रांति हुई थी, लोगों का जब गुस्सा फूटता है ना तो उससे कोई बच नहीं पाता है। तो देखेंगे आज हम इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड, सारी चीजें देखेंगे इस लेक्चर के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज से @education_connect पे आप पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है, हम देखते हैं क्यूबा कहाँ पे है। वैसे तो बहुत छोटी कंट्री है और काफी कंट्री भी नहीं, आइलैंड है, और बहुत बड़े बड़े देशों में खो सा जाता है, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं इसको। ये छोटा सा आइलैंड है, ये है क्यूबा। ये पूरा का पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आप देख सकते हैं गिनी चुनी कंट्री है, कंट्रीज है, ब्राजील निकाल दीजिए, अर्जेंटीना निकाल दीजिए, तो कुछ बचता ही नहीं है। तो ये हमारा यूएसए है, ये हमारा साउथ अमेरिका, और इसके बीच में सैंडविच्ड है जो कि एक आइलैंड है क्यूबा। वेल, दिखा नहीं, कोई बात नहीं, इसका थोड़ा जूम्ड मैप हम आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा क्यूबा, हमारा तो नहीं है वैसे। इसकी कैपिटल है हवाना, ठीक है, ये रही हवाना, और यहाँ पे बहामाज आइलैंड है, बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट है ये, काफी लोग आते हैं यहाँ पे छुट्टियां वट्टियां मनाने, और इसको शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, काफी वन लाइनर्स में पूछा जाता है एग्जाम में, तो शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड याद रखिएगा, कहा जाता है क्योंकि शुगर यहाँ पे काफी होती है, चीनी बहुत होती है, और इसकी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि प्रेजेंटली तो क्यूबन इकोनॉमी बिल्कुल गड्ढे में जा रही है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वहाँ के कम्युनिस्ट मतलब गवर्नमेंट की बहुत उसमें क्या कहते हैं कि काफी हद तक वो रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट जो वहाँ की है। खैर, वो भी हम देखेंगे पूरा। सेंटा क्लेरा, ये मेन सिटी है यहाँ पे। देखिए, ये वो सिटी है जहां से रेवोल्यूशन हुआ स्टार्ट। इसी सिटी को पूरी की पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, कब्जे में ले लिया था चे गुएरा और फिदल कास्त्रो की पूरी आर्मी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1958 में हुआ था, और इसके बाद वो मूवमेंट जो फैला है पूरे देश में, तब तो भैया बटिस्टा जो समय प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, छोड़ के भागना पड़ा उनको, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे थे वो वापस। तो ये सारी चीजें थी, तो ये सब देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो टाइमलाइन हम थोड़ी बहुत देखते हैं, सबसे पहले हुआ क्या था, देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। 1898 में अमेरिका करता है इन्वेड क्यूबा को, और 1902 में, 20 मई 1902 में क्यूबा को पार्शियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है। पार्शियल इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस नहीं, फॉर्मल इंडिपेंडेंस होती है, और क्यूबन कॉलोनी, हालांकि क्यूबा वैसे तो स्पेनिश कॉलोनी रही है, स्पेन ने वहां पे अपना पूरा दबदबा कायम रखा है, लेकिन 1902 में यूएस का पूरा कंट्रोल आने लगा था। आपको पता है 1862 में अमेरिकन सिविल वॉर भी हुआ था, अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो 1902 में काफी चीजें, अमेरिका का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो अब क्या होता है, अमेरिका कंपनीज को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि मतलब फेवर्स मिलते थे, और अमेरिकन कल्चर काफी वहां पे प्रेविलेंट था। तो इससे क्या होता था, जो वहां के लोग थे उनमें बड़ी मतलब अनरेस्ट रहती थी। भाई जाहिर सी बात है ना कि अगर आपके देश में कोई दूसरे देश का चीजें चलेंगी तो आपका दिमाग तो खराब हो गया अल्टीमेटली। तो यही क्यूबन लोगों के साथ थी, तो इसीलिए वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया था, क्राइसिस बहुत ज्यादा हुई थी, इकोनॉमिकली क्यूबा बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया, तो ये सारी चीजें थी। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, फुलजेंसियो बटिस्टा, FULGENCIO बटिस्टा, ये प्रेसिडेंट बनते हैं 1954 में। हालांकि 1940 में इनका पहला टर्म होता है, और ये यूएसए बैक्ड प्रेसिडेंट थे, इनको यूएसए ने काफी सपोर्ट किया। आपको पता है 1947 से लेकर 1945 के बाद से और 1991 तक अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, है ना, अपनी अपनी शेखी बघारते थे दोनों, हम बड़े हैं नहीं हम बड़े हैं। तो अमेरिका और रशिया दोनों ये चाहते थे कि जितनी कंट्रीज हो सके उनके कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो यूएसए काफी बैक करता था फुलजेंसियो बटिस्टा को। अब भैया, अगर कोई इंसान किसी देश से सपोर्ट ले रहा है तो उस देश का तो भला करेगा ही ना, ठीक है। तो बटिस्टा ने अपने पब्लिक को बोला, भाड़ में जाओ तुम लोग, पूरा का पूरा लग गया अमेरिका की देखभाल के में, ठीक है, और अपनी कंट्री को और अपनी भी देखभाल काफी की। तो पहला जो इनका 1940 से 1944 तक था,
पहला जो टर्म था ये इनका सेकेंड टर्म था 1954। तो बटिस्टा को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, एक सोल्जर थे फुलजेंसियो बटिस्टा, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, एक सोल्जर थे और इनको प्रेसिडेंट चुना जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर फिदेल कास्त्रो, देखिए फिदेल कास्त्रो की बात करनी पड़ेगी अब यहां पे, ये कौन थे, ये टाइमलाइन है बेसिकली। फिदेल कास्त्रो एक बहुत ही जबरदस्त लॉयर थे, ठीक है, ये इन्होंने इनको अपोज किया बटिस्टा को, इन्होंने कहा कि भैया तुम जो कम्युनिज्म अपना रहे हो, मतलब एंटी कम्युनिज्म जो अपना रहे हो और जो लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो उसका क्या। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो इनका फर्स्ट टर्म था इसमें अच्छे खासे ये प्रोग्रेसिव लीडर थे, हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी क्यूबन इकोनॉमी को क्या था ये उबार नहीं पाए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा नहीं था और वाटर क्राइसिस काफी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, ठीक है, तो काफी चीजें मतलब बहुत दिक्कतें थी, ठीक है, ऊपर से अमेरिकन कंपनीज का तो था ही बोलबाला, ठीक है। तो फिडेल कास्ट्रो ने अपोज किया, फिडेल कास्ट्रो ने बटिस्टा के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की कि इनको हटाओ, फिडेल कास्ट्रो को अरेस्ट किया गया, हटाया गया, तो एग्जाइल में चले गए थे फिडेल कास्ट्रो बेसिकली, और अरेस्ट काफी मतलब जेल भी गए थे। तो अब क्या बोला कि भैया देखो लीगली तौर पे तो हम बटिस्टा को चैलेंज नहीं कर सकते, चलो दूसरा तरीका अपनाते हैं, कर दो स्टार्ट रेवोल्यूशन, उठा के मूवमेंट बना दी, एक अपनी फोर्स मूवमेंट के नाम से बना दी और बहुत जबरदस्त फोर्स थी वहां पे। 1955 में ये मिलते हैं चे गुवेरा से, चे गुवेरा एक बहुत ही आइकॉनिक लीडर है वैसे तो, काफी इनका नाम है और कई टी शर्ट्स में तो आपको दिख भी जाएंगे चे गुवेरा की। चलिए मैं आपको अभी आगे हम उनकी बायोग्राफी की बात करेंगे। तो चे गुवेरा काफी एक प्रोग्रेसिव लीडर थे और मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्यूबन रेवोल्यूशन में चे गुवेरा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इन्होंने काफी हेल्प की थी। ये गुरिला वॉरफेयर के बहुत माहिर इंसान थे। गुरिला वॉरफेयर क्या होता है, जो हमारे नक्सली करते हैं, जंगलों में रहते हैं और छुप छुप के वार करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, गाड़ियां जा रही है सरकारी, उठा के उड़ा दिया बम से, पता ही नहीं चलता है। तो उसके बड़े ये मतलब एक तरह से एक्सपर्ट माने जाते हैं और ये काफी जंगलों में घूमा करते थे, अपनी खुद की इनकी एक आर्मी थी मैक्सिको और पूरा क्यूबन के जो साइड के पूरा का पूरा इनका जंगल था, फॉरेस्ट था, वहीं पे रहते थे। क्योंकि सरकार ने क्या किया था ना, देखिए भैया सरकार के खिलाफ अगर तुम कुछ करोगे ना, सरकार तो उठा उठा के पटकेगी, तो सरकार ने तो फिडेल कास्ट्रो, रुआल कास्ट्रो और चे गुवेरा को बोला था कि कहीं पे भी मिले उड़ा दो, या तो अरेस्ट करो या उड़ा दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो चे गुवेरा इसीलिए बच के रहते थे। शुरू से चे गुवेरा क्या था कि मतलब बहुत, देखिए बड़े गंदे टाइप के थे ये इनका लुक्स ऐसा जब इनकी बायोग्राफी में पढ़ रहा था तो उसमें ये बिल्कुल मेंशन था कि चे गुवेरा जो थे उनका जो लुक था वो बहुत ही अजीब टाइप का था, एक एक हफ्ते तक नहाते नहीं थे, अपने कपड़े नहीं धोते थे, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था, है ना, लेनिन, मार्क्सिज्म और इवन गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब पढ़ते थे चे गुवेरा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े अच्छे इंसान थे, भैया कत्लेआम इन्होंने मचाया था, मास मर्डर्स किए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब क्या होता है कि 1958 में बहुत जितने भी पीपल हैं, देखिए अनरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो बहुत सारे पीपल बटिस्टा गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। और उस समय क्या होता है, उससे पहले तक यूएस जो होता है वो आर्म सप्लाईज कर रहा होता है, जितनी भी जो भी चीजें होती हैं इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, क्योंकि देखिए फिडेल कास्ट्रो होते हैं पूरे फॉर्म में और जबरदस्त मूवमेंट अपना स्टार्ट करते हैं, बहुत लोगों को रिक्रूट करते हैं, मासेस हिस्सा लेते हैं इनके मूवमेंट में, अलग अलग जगह से, हवाना से लगभग 1200 सोशल वर्कर्स उठा उठा के इनकी आर्मी में आते हैं और बोलते हैं कि अब ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि अच्छा इस बीच देखिए 1952 से 58 तक बहुत अटैक्स भी होते हैं, तो 1956 में क्या होता है, मतलब काफी हमले भी होते हैं, तो 1956 में इसी में बहुत ही ब्रूटल हमला होता है, 25 नवंबर 1956, यॉट जो होते हैं वो शिप्स होते हैं, ठीक है, तो छोटे से शिप जो कार्गोज होती हैं, तो उसमें ये सारे रीबेल्स होते हैं कि हम मतलब एक वो डेट होती है उनकी पर्टिकुलर कि इस डेट के दिन हम हमला करेंगे और पूरा फुल ऑन हमला करेंगे। लेकिन ये बटिस्टा गवर्नमेंट को पता लग जाता है और उसमें रुआल, फिडेल कास्ट्रो और चे गुवेरा तीनों होते हैं और भी बहुत लोग होते हैं, जबरदस्त हमला करते हैं उस यॉट पे और बुरी तरह लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन उसमें फिडेल कास्ट्रो, रुआल कास्ट्रो और चे गुवेरा बच जाते हैं। तो कई बार इन पे हमले भी हुए लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, हमेशा वो बचे और बहुत जबरदस्त चीजें हुई। तो फाइनली 1958 जो इनका प्लान होता है, गुवेरा,
ट्रूप्स को लेड करते हैं, चे गुवेरा की पूरी अगुवाई में होता है, और चे गुवेरा को बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिग्नेशन दी गई थी फिडेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट में। ठीक है, देखिए पहले तो बटिस्टा भी काफी कम्युनिस्ट करते हैं, लेकिन बाद में वो एकदम से एंटी कम्युनिस्ट हो जाते हैं अपने सेकेंड टर्म में। ये यूएसए से पूरा का पूरा उनका पूरा बैकअप था, तो इसीलिए ठीक है। लेकिन जो फिडेल कास्ट्रो हैं, ये इनको पूरा सपोर्ट होता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, और ऐसा कहा जाता है कि यूएसएसआर ने भी इनको जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। भैया अमेरिका का दोस्त रशिया का दुश्मन है ना, और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो यही सीधा रशिया ने सोचा। तो रशिया ने बहुत बढ़िया तरीके से फिडेल कास्ट्रो को क्या कहता है उन पर अपना दांव लगाया, और भैया सक्सेसफुल भी हुए, सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग प्रेसिडेंट बने फिडेल कास्ट्रो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो सेंटा क्लेरा को ले लिया उन्होंने, ठीक है, और इसी यहीं से फिर पूरा का पूरा रेवोल्यूशन एकदम से जोर पकड़ लिया और पूरे देश में फैल गया। देखिए क्या होता है ना कि अगर भैया पब्लिक जाग गई तो आप गए काम से, हमने अरब स्प्रिंग में भी यही देखा था, है ना। पब्लिक जाग गई तो जहां पब्लिक जागती है ना बच नहीं सकते हैं, फिर तो आपको जाना ही है कोई भी गवर्नमेंट हो। ठीक है, पब्लिक क्योंकि भैया आम जनता इतनी आम भी नहीं है, हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं है, ये बात तो हर पार्टी को समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। फाइनली क्या हुआ कि उसके बाद 1959 में बटिस्टा सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, उनको पता लगता है कि अगर मैं यहां रहूंगा तो मैं गया काम से, हार जाती है उनकी फोर्सेस को, हरा देते हैं चे गुवेरा और पूरे के पूरे जो उनके ट्रूप्स होते हैं फिडेल कास्ट्रो और रुआल कास्ट्रो के ट्रूप्स। ठीक है, और एक चीज और है कि चे गुवेरा लगातार जंगलों से ही अटैक करते हैं, ठीक है, लेकिन सामने वो बेसिकली वही 1958 में ही आते हैं और पूरा का पूरा तब एकदम तख्ता पलट हो जाता है, भाग जाते हैं। ठीक है, और पता ही होता है बटिस्टा को कि अब मेरा तो काम खत्म और मैं निकलता हूं यहां से। तो क्या होता है कि मैनुअल उरिटिया को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, बहुत ज्यादा दिनों के लिए बनते नहीं है। असली प्रीमियर कौन होते हैं भैया? फिडेल कास्ट्रो। जी हाँ, 15 जनवरी 10 दिन के लिए खाली प्रेसिडेंट, उसके बाद आते हैं भैया हमारे कास्ट्रो साहब, और उसके बाद कास्ट्रो जी का ही रूल चलता है आगे, अभी तक प्रेजेंट डे तक कास्ट्रो फैमिली का ही रूल है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कॉजेस। देखिए क्यूबा सबसे पहले तो बहुत ही अमीर कॉलोनी थी भैया, देखो ये तो सबका एक बेसिक कॉज होता है, आपको ये हर जगह मिलेगा। कंट्री वहीं कॉलोनाइज करती है जहां पे कॉलोनी समझती है ना, क्या होता है कॉलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कॉलोनाइजेशन मतलब होता है अपनी कॉलोनीज बनाना, जैसे ब्रिटिशर ने किया। ठीक है, हर जैसे आप हैं, ठीक है, आप बड़े ताकतवर हैं, आपसे छोटा कोई इंसान है, आपने बोला कि मैं उसको टेक ओवर करता हूं और वहां पे भी अपनी अपने अपनी कंपनी, मतलब आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए, हाँ ये बढ़िया रहेगा, आपकी कोई कंपनी है, आपने बोला कि ऐसा करता हूं कि मैं छोटे छोटे जो मुझसे कम अमीर हैं और जो मुझसे कम ताकतवर हैं उनके पास जाके वहां पे अपनी कंपनीज की ब्रांच सेटअप करता हूं और इसी बहाने मैं सब कुछ हथिया लूंगा। ऐसे जरूरी नहीं है कंपनी हो, बेसिकली मतलब होता है अपनी कॉलोनीज बनाना, ठीक है, अपने घर मतलब अपना सेटलमेंट वहां पे उठा के रख देना। तो और ये कहां होता है भाई? जाहिर सी बात है ना, जो अमीर देश होंगे वहीं पे होगा। तो ब्रिटेन ने यही किया, ब्रिटेन जगह जगह जाती थी, रिसोर्सेस को चूस लेती थी, लेकिन यहां पे स्पैनिश ने किया। देखिए स्पैनिश, पोर्तुगीज, ये सब एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, सब यूरोपियंस हैं। यूरोपियन अगर पूरे यूरोप को भी मिला दीजिए तो इतना बड़ा नहीं है, चाहे जितना बड़ा राजस्थान या उत्तर प्रदेश कंबाइंड हो, लेकिन तब भी देखिए क्या कर दिया उन्होंने, है ना। तो वही बता रहे, हिटलर जैसा एक इंसान जर्मनी जैसे छोटे देश में पला बढ़ा और उठा के फिर उसने, तो वही बता रहा है कि मतलब दिमाग काफी यूज करना चाहिए किसी भी चीज को करने से पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बटिस्टा ने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया कंट्री का। देखिए एक चीज और थी, ग्रास रूट में क्या प्रॉब्लम थी ना, बटिस्टा के जो मेथड्स थे बड़े ब्रूटल थे, मारना, पीटना, सजाए मौत दे देना, बहुत खतरनाक तरीके से ऑप्रेस करते थे बटिस्टा। देखिए हर कोई सब कुछ इंसान सह लेता है, लेकिन वॉयलेंस नहीं सह पाता और सहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अत्याचार देखने से ज्यादा बुरा वो होता है जो अत्याचार सहता है, तो ये चीज तो बिल्कुल लागू होती है कि बहुत जबरदस्त वॉयलेंट मेथड वो इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से पब्लिक बहुत परेशान हो गई थी। ठीक है, इसमें बहुत ब्रूटल टेक्निक्स हैं जो कि मैं नहीं बताऊंगा। तो अब तो सेकेंड टर्म में ज्यादा हुआ। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि फर्स्ट टर्म में तो काफी कम्युनिस्ट थे, लेकिन सेकेंड टर्म में ज्यादा एमटी कम्युनिस्ट हो गए, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं। यूनाइटेड स्टेट से काफी सपोर्ट था इनको,
तो फिडेल कास्ट्रो थे, काफी इंपॉर्टेंट लीडर थे इसके, और उसके बाद फिर काफी, देखिए एक्चुअली फिडेल कास्ट्रो ही प्रीमियर थे क्योंकि उन्होंने ही ऐसा सोचा था कि उसको उखाड़ फेंको, ठीक है। तो 19, जैसा कि मैंने टाइमलाइन में ही आपने देखा था कि पूरा का पूरा ये 1952 से लेकर 1959 तक है ना, वैसे तो 1958 में ही सब कुछ खत्म हो गया था, तो 1959 तक ये पूरा चला था। और इस बीच क्या हुआ था कि इकोनॉमिक सैंक्शंस भी बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, एम्बार्गो जिसको कहते हैं हम दूसरी लैंग्वेज में, सैंक्शन ही होता है लगभग लगभग, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो यूएस ने आर्म सप्लाईज बंद कर दी थी, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करी थी बटिस्टा गवर्नमेंट को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज था, तो इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो यही बता रहे हैं कि, तो अब इन सब से क्या हुआ कि एकदम जो कॉन्फिडेंस और सारी चीज़ें थी वो बटिस्टा का एकदम चला गया नीचे, ठीक है। तो काफी अक्यूज भी किया था करप्शन और टायरनी, खैर वो तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब इसमें काफी बैटल्स भी हुई थी, 1958 में बैटल ऑफ सेंटा क्लेरा हुई थी, फिर 58 में एक और बैटल हुई थी बैटल ऑफ मर्सिडीज, जिसको हम बैटल ऑफ लास्ट मर्सिडीज के नाम से भी जानते हैं, जिसने बटिस्टा गवर्नमेंट ने लगभग लगभग हटा ही दिया था और हरा ही दिया था इनकी फोर्सेस को। फिर बैटल ऑफ ला प्लाटा भी हुई थी 11 से 21 जुलाई तक 1958 में, इसने कास्ट्रो की फोर्सेस ने लगभग लगभग 500 मैन की बटालियन को हरा दिया था। आप ये सोच रहे होंगे कि भैया उनके पास फोर्सेस थी, उनके पास आर्मी थी, तो ऐसे कैसे आम जनता ने उठा के इनको पटक दिया। देखिए आर्मी तो थी लेकिन सही टाइम पे एक्ट नहीं कर पाई, ऊपर से आर्म सप्लाईज भी बंद हो गई थी, ये भी बड़ी प्रॉब्लम यूएसए की तरफ से, तो इतनी सही से चीजें चल नहीं पाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। और प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी फिदल कास्ट्रो की, ठीक है। उसके बाद चे गुएरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, इनकी वजह से अगर चे गुएरा नहीं होते तो ये मूवमेंट नहीं जीता जाता। देखिए आपको एक बहुत जबरदस्त जनरल की जरूरत पड़ती है, इब्राहिम लिंकन के पास भी एक जबरदस्त जनरल था यूलिसेस ग्रांट, जब साउथ अमेरिका मतलब जब CSA अमेरिका दो में डिवाइड हो गया था ना, एक नॉर्थ और एक CSA, मतलब एक ऊपर वाला यूएसए और नीचे वाला CSA में डिवाइड हो गया था, कॉन्फेडरेटिव स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने जब सरेंडर करने से मना कर दिया था तब इब्राहिम लिंकन ने बोला था कि हटा दो सबको मारो, और यूलिसिस ग्रांट में ऐसा बर्बरता पूर्वक कैंपेन चलाया था जिसकी वजह से CSA ने सरेंडर कर दिया था कि भैया अब हमसे नहीं सहन होता, हम सरेंडर कर रहे हैं। तो एक अच्छे लीडर की आपको जरूरत होती है, वॉर में सब चलता है, वॉर में जो कि इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है और ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा जितना ज्यादा आपका इकोनॉमिक नुकसान और जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स वॉर में होती है और जितनी अमानवीयता वॉर में बढ़ती जाती है उतनी कहीं पे नहीं बढ़ती जाती। तो ये सारी चीजें थी और चे गुएरा भी उनमें से एक ही थे। अब देखिए रेवोल्यूशन कैसे सारी चीजें हुई, रेवोल्यूशन कैसे, वैसे तो मैं सब चीज आपको समझा ही चुका हूँ टाइमलाइन में, मैंने मैक्सिमम चीजें बताई दी थी, लेकिन फिर भी तो कैसे रेवोल्यूशन होता है, जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रोल ऑफ क्यूबा 1959 को पूरा का पूरा ले लेते हैं, 8 जनवरी को जैसे फिदल कास्ट्रो आते हैं वापस, उन्हीं को उठा के प्रेसिडेंट बनाया जाता है और वही पूरा प्रीमियर हो जाते हैं। बाकी बटिस्टा तो सारे सपोर्ट हार ही चुके होते हैं, बैटल ऑफ सेंटा क्लेरा ये मेन होती है, ऑलरेडी मैं आपको बहुत अच्छा इसका एक रिव्यू दे ही चुका हूँ तो मुझे नहीं लगता इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और ये सारी चीजें होती है और ये जो है मैनुअल उरिटियो लियो, ये बहुत ही कम समय के लिए 3 जनवरी के लिए बस ये ऑफिस लेते हैं, और ये नोट्स हैं आप चाहें वैसे तो नोट ही कर लीजिएगा या 2-3 बार सुनेंगे तो याद ही हो जाएगा। और फाइनली फिडेल कास्ट्रो जो है भैया वो सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर और फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें से हालांकि इसमें काफी चीजें भी हुई थी, जैसे 1991 में बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। देखिए क्यूबन इकोनॉमी, क्योंकि सिंस ये बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट है तो कम्युनिस्ट में आपको चॉइस रहती नहीं है, वन पार्टी सिस्टम है भैया, वन पार्टी सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि भैया जब लोगों के पास चॉइस ही नहीं है आप लोगों की बातें थोड़ी ना सुन सकते हैं। यहाँ पे हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, आप प्रधानमंत्री को भी गाली दे देंगे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा होता है चाइना में, आप बोल के तो देखिए आपका परिवार कहाँ रातों रात गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। चाइना वाले ऐसे हैं क्योंकि वो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट हालांकि वो बोलते हैं कि हम देखिए कम्युनिस्ट कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी है, कम्युनिस्ट की फिलॉसफी बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये इंप्लीमेंट अगर हो तो बहुत बढ़िया है। मैक्सिमम कंट्रीज कम्युनिस्ट के नाम पे बहुत ही खतरनाक चीजें करती हैं, ठीक है, वो सही नहीं है। ये भी बहुत लेनिन से ज्यादा इंस्पायर्ड थे, ठीक है, लेनिन एक बहुत ही जबरदस्त लीडर थे, बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशियन रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा उनका पार्ट था, ठीक है, लेबर के लीडर्स थे वो, और उन्होंने बोला था कि हर एक इंसान को सही हक मिलना चाहिए, ठीक है, और यही ये सब भी कहते थे, लेकिन मिलना तो चाहिए अगर आप डिविएट नहीं हो रहे हैं, अपने पास से डिविएट मत होइए, लोगों के लिए काम करते रहिए, ठीक है। तो
तो वही चीजें हैं, थोड़ा मैच्योरिटी से समझिएगा इसे, ठीक है, गुस्सा मत हो ना भैया कोई कमेंट बॉक्स में, है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें थी। और सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग प्रेसिडेंट थे आप, उनके भाई रुआल कास्ट्रो के पास कमान है। तो फिदेल कास्ट्रो सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत सालों तक इनकी सत्ता थी। देखिए चे गुएरा के बारे में मैं छोटी सी बात करूंगा, ज्यादा तो नहीं करूंगा। 14 जून 1928 और 1967 को इनकी बेसिकली में इनकी डेथ हुई थी 1967 में। देखिए चे गुएरा ने ना, आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स ने, जब वॉर खत्म हुआ तो क्या होता है भैया, जब वॉर खत्म होता है साफ सफाई का काम चालू हो जाता है, जो हारता है वॉर उसको पूरी तरह मारा जाता है, उनके लोगों को पूरी तरह मारा जाता है, हर किसी को बख्शा नहीं जाता। यही किया चे गुएरा ने, मास मर्डर्स किए थे बाद में, और ह्यूमन राइट्स ने बहुत भत्सना भी की थी, मास मतलब बहुत लोगों को मारा था। और ऐसे बुरी तो टेक्निक एक अलग अलग निकालते हैं मारने की, है ना। एक लेडी का इंटरव्यू था कि उन्होंने बताया था कि ऐसे मर्डर होते थे इस तरह से कि मतलब जैसे पूरी एक फैमिली को सामने खड़ा कर दिया जाता था, ठीक है, और उनकी फैमिली के लीडर मतलब जो जैसे मान लीजिए फैमिली के सबसे मेन इंसान को बुलाया जाता था और उनको काटा जाता था उनके सामने, ठीक है, और लोग हंसते थे, अच्छा खासा हंसते थे, ठीक है। तो ये मतलब जो जनरल ऑफिसर्स थे और उनकी फैमिली रोती थी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से मर्डर्स होते हैं, ये तो अजीब ही कुछ एक बात है। तो ह्यूमन राइट्स ने काफ़ी भत्सना की थी और चे गुएरा ने भी काफ़ी मास मर्डर का हिस्सा थे, जिसकी वजह से बहुत गुस्सा बढ़ने लगा था। कास्ट्रो ने गवर्नमेंट को लिया, रिसोर्सेज ड्रेन किए, इकोनॉमी नीचे गई, लेकिन 1965 में, मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैं नहीं बताने वाला इनको क्या डेजिग्नेशन मिला था इनकी पार्टी में, मैं चाहता हूँ आप खुद सर्च करें, क्योंकि जब आप खुद सर्च करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें चे गुएरा के बारे में भी पता चलेगी, ठीक है। हालांकि लीडर अच्छे थे, जनरल अच्छे थे, लेकिन आप पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो 1965 में चीज़ें हुई और 1965 में इनको हटा दिया गया। फिडेल कास्ट्रो ने बोला भैया ऐसा है, अब तुम क्यूबा छोड़ के चले जाओ। तो क्यों? क्योंकि लोग अब इसके रूल से त्रस्त हो गए थे, ये सब मारते थे, इनको मारना बड़ा अच्छा लगता था, बहुत प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। मतलब अगर इनके खिलाफ कोई भी है तो इनका दुश्मन, ठीक है। तो ये सब लोग इनसे क्या करते थे कि बहुत अनपॉपुलर ये होने लगे थे। उसके बाद ये बोलीविया भी गए, कॉन्गो भी गए, ठीक है, ताकि वापस चीज़ों जो चीज़ें बिखर गई थी उनको वापस ऑर्गेनाइज कर सके, पर ऐसा कर नहीं पाए। फाइनली इनको CIA ने कैप्चर किया और मार दिया 1967 में। जब ये मर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि मुझे मारो नहीं, जिंदा मैं ज़्यादा काम का हूँ, ठीक है। अब हालांकि इनको बहुत आइकॉनिक लीडर माना जाता है, बहुत जगह इनको एज अ हीरो भी प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जो कि ठीक है, लेकिन अब वो तो खैर मैं आप पे ही छोड़ूंगा कि चे गुएरा अच्छे थे या बुरे थे, क्योंकि मैं तो न्यूट्रली हूं, ठीक है, क्योंकि इनके अगर ये ना होते क्यूबन रेवोल्यूशन पूरा ही ना हो पाता और शायद क्यूबन बहुत दिक्कतें होती फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब प्रेजेंट कंडीशन ऑफ ऐसी है कि भैया देखिए इकोनॉमिकली बहुत डेवलप नहीं है, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है, अच्छा ऑपोजिशन है नहीं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। वन पार्टी सिस्टम में आपके यही मिस्टर कास्ट्रो और उसके बाद फिर उनके यंग ब्रदर रुआल कास्ट्रो। GDP बहुत कम है, एग्रीकल्चरली बहुत अच्छा नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़बरदस्त है, एग्रीकल्चर वाइज बहुत अच्छा नहीं है। एक और अच्छा खैर छोड़िए, उसकी बात हम नहीं करेंगे, फिर आप बोलेंगे टॉपिक से डिविएट हो गए, ठीक है। अरे कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत डिविएट हो जाता है, एक दो मिनट में चलता है, ज्ञान ही मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और क्यूबन मीडिया जो है ना, बिल्कुल चाइना की तरह, हालांकि चाइना में बहुत ही घटिया सा न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, जो कि बहुत आलतू फालतू खबरें छापता रहता है भारत के बारे में, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो कम्युनिज्म में ये सब चीज़ें होती रहती, लेकिन कम्युनिज्म में डेवलपमेंट भी बहुत ज़बरदस्त होती है, जैसा कि अगर आप अपनी पे आ जाए तो, क्योंकि बोलने की आज़ादी नहीं होती ना, इसीलिए आप देख रहे हैं चाइना में बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है भैया, है ना। लेकिन खैर हम यहाँ पे बात क्यूबा की कर रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव में इकोनॉमी है इनकी, बहुत इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, और कुल मिला के देखा जाए तो प्रेजेंट कंडीशन ऑफ क्यूबा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये क्यूबन रेवोल्यूशन का एक छोटा सा रिव्यू था। वैसे तो अगर इसका पूरा लेक्चर देखे जाए तो 2-3 घंटे लगेंगे कम से कम, है ना, लेकिन एक रिव्यू था ताकि अगर आपको कभी भी कोई पूछे इसके बारे में, आप इसको बता सकें, और एग्जाम में भी अगर पूछा जाए तो आराम से आप लिख सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा आपको, ठीक है। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा अपने नए लेक्चर के साथ, इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे फेसबुक पेज और StudyIQ पे भी। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर कर देना भैया, और जो क्वेश्चन है उसका जरूर आंसर दीजिएगा।
लड़िएगा नहीं, चलिए। थैंक यू सो मच।